भारत ने 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से धो डाला। ब्रिस्बेन में 3 विकेट से जीत हासिल करते ही टीम इंडिया ने लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज को अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत में युवा बल्लेबाजों शुभमन गिल और ऋषभ पंत की आकर्षक अर्धशतकीय पारियों का अहम योगदान रहा। इन पारियों के दम पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया की गाबा के मैदान में 32 सालों से चली आ रही बादशाहत को भी रौंद दिया। भारत ने ये जीत तब दर्ज की जब उसके कई शीर्ष खिलाड़ी चोटिल होने या दूसरे कारणों से टीम का हिस्सा नहीं थे। कप्तान विराट कोहली, उमेश यादव, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा और केएल राहुल जैसे नाम इस सीरीज में नहीं खेल पाए। वहीं रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, जसप्रीत बुमराह भी चोटिल होने की वजह से अहम मैच नहीं खेल सके। लेकिन बावजूद इसके भारत के युवा सितारों ने इनकी कमी महसूस नहीं होने दी। भारत ने एडिलेड में पहला टेस्ट मैच गंवाने के बाद शानदार कमबैक किया और ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमी पर लगातार दूसरी बार सीरीज में 2-1 से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखी। भारत के ऑस्ट्रेलिया में लगातार दूसरी टेस्ट सीरीज पर पाकिस्तान में भी लोगों ने खुशी जाहिर की। कई खेल पत्रकारों, एक्सपर्ट्स और पूर्व क्रिकेटर्स ने भारत की जीत को सराहा। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए टीम इंडिया को बधाई दी। खेल पत्रकार साद सदीक ने लिखा, 36 पर ऑल आउट होने और बिना विराट कोहली और सीनियर खिलाड़ियों के बावजूद गाबा के मैदान में भारत की जीत असाधारण है। पाकिस्तान के खेल पत्रकार अब्दुल गफार ने लिखा कि 36 रन पर सिमटने के झटके और बिना विराट कोहली के सीरीज जीतना स्पेशल है। ऑस्ट्रेलिया के पास टॉप क्लास गेंदबाजी थी लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। इसके अलावा क्रिकेट एक्सपर्ट नौमान नियाज ने भी भारतीय टीम की जीत को सराहा। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की घर में बेइज्जती हो गई। गिल और पंत भविष्य के स्टार, भारत से लड़ने और कभी हार न मानने की बात सीखनी चाहिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम के जनरल मैनेजर और एक्सपर्ट रेहानुल हक ने तो भारत की जीत के बाद कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि ये विदेश में भारत की सबसे बड़ी जीत है। उसने बहुत ही सेंसिबल खेल खेला है। उन्होंने पूरी बुद्धिमता के जरिए ऑस्ट्रेलिया को हराया। रेहानुल हक ने चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत की भी तारीफ की और कहा कि अगर ये दोनों पाकिस्तान में होते तो अब तक इन्हें टीम से बाहर कर दिया जाता, लेकिन भारत ने इन पर भरोसा जताया। वहीं स्पोर्ट्स एंकर अहमद नजीब ने कहा कि भारत अभी दुनिया की बेस्ट टीम है। यानी भारतीय टीम की जीत के चर्चे न ही सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि सरहद पार पाकिस्तान में भी हो रहे हैं। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में हराने के बाद भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई। वहीं आईसीसी टेस्ट टीम की रैंकिंग में भी वो नंबर 2 पर है। उसने ऑस्ट्रेलिया को नंबर 3 पर धकेल दिया है। इस शानदार जीत को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।